गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास एयर, सब्जेक्ट मैथ, रनिंग टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू रूल ऑफ डिविजिबल बाय टू एंड डिविजिबल बाय थ्री। टुडे आई विल टीच यू डिविजिबल बाय फोर, रूल डिविजिबल बाय फोर। लिखिए ए नंबर डिविजिबल बाय फोर इफ लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय फोर। ए नंबर डिविजिबल बाय फोर इफ लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय। एग्जाम्पल 1732। तो लास्ट टू डिजिट इसमें कौन से हैं? लास्ट टू डिजिट 32। अब 32 अपॉन 4 8 का 32 डिविजिबल है। तो जब लास्ट टू डिजिट आपके डिविजिबल है तो हेंस 1732 आल्सो डिविजिबल बाय 4। दिस इज रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर आपके लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। फिर एक रूल ये भी है कि अगर नंबर आपके 4 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगी। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होती है वो नंबर आपकी 4 से भी डिविजिबल होती है। पहली बात, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करें तो उसमें 4 आते नहीं है। प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर्स आती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस टाइप की 11 आपकी प्राइम नंबर ही आती है। अगर कहीं 4 आ रहा है तो 4 को 2 × 2 रिटेन करते हैं। तो ये आपकी कंपलसरी नहीं है लेकिन बता दिया जाता है। डिविजिबल बाय 4 का बोलते हैं जो लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो गए। ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड हो गए तो नंबर डिवाइड है 4 से। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो नॉट डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5 इफ यूनिट डिजिट 0 or 5। ए नंबर डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट 0 or 5। एग्जांपल 1320। तो यूनिट डिजिट 0 है इसलिए डिविजिबल बाय 5। सेकेंड 1975। आप देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट इज 5। हियर यूनिट डिजिट इज 5, सो 1975 डिविजिबल बाय 5। तो ये रूल है आपका कि अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 0 or 5 है तो वो नंबर आपकी डिविजिबल बाय 5 है, अगर इसमें से नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट रूल है डिविजिबल बाय 6, ए नंबर डिविजिबल बाय 6, ए नंबर डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाती है तो वो आपकी किससे डिविजिबल होगी? 6 से। एग्जाम्पल चेक करेंगे, जैसे 1 9 और 3 2, ये
क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है। एक वे नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 दैट इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 का रूट क्या है? सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो 9, 10, 10 और 5, 15। 15 भी आपकी डिविजिबल बाय 3 है। सम ऑफ डिजिट कितना हो गया? ये किससे है? पूरे लिखते हैं या यूनिट डिजिट इज 2। सो 1932 डिविजिबल बाय 2। अब सम ऑफ डिजिट 3 से चेक करेंगे। 3 का रूट होता है 1 + 9 + 3 + 2। 9 × 10 = 15। अब 15 डिविजिबल बाय 3 है। 15 इज डिविजिबल बाय 3। सो 1932 डिविजिबल बाय 3। अब ये नंबर आपके 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। हैंड 1932 आज भी डिविजिबल बाय 6। 1932 डिविजिबल बाय 2 and 3। हैंड इस प्रकार 1932 डिविजिबल बाय 6। जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाती है। तो दिस इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टुडे आई टीच यू डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6। लर्न द गिवन 3 डेफिनेशंस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।